नमस्कार, मैं हूँ शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। आर्थिक राजधानी मुंबई के आजाद मैदान में 22 जनवरी को होगा मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन। मराठा नेताओं ने कहा, शांतिपूर्ण करेंगे आंदोलन, नहीं होगी किसी प्रकार की हिंसा। मुंबई मैराथन और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर होने वाले आयोजनों पर नहीं आएगी रुकावट। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर 20 जनवरी से आमरण अनशन करेंगे मनोज जारंगे पाटिल। मनोज जारंगे ने कहा कि अगर सरकार 24 दिसंबर तक इस मुद्दे के समाधान में विफल रही तो मराठा समुदाय मुंबई की ओर करेगा मार्च। आरक्षण नहीं मिला तो वह अंतरवाली सराटी से मुंबई के लिए पैदल होंगे रवाना। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर 20 जनवरी से आमरण अनशन करेंगे मनोज जारंगे पाटिल। मनोज जारंगे ने कहा कि अगर सरकार 24 दिसंबर तक इस मुद्दे के समाधान में विफल रही तो मराठा समुदाय मुंबई की ओर करेगा मार्च। आरक्षण नहीं मिला तो वह अंतरवाली सराटी से मुंबई के लिए पैदल होंगे रवाना। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दायर क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार। 24 जनवरी को होगी मामले में सुनवाई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लगाई वकीलों की फौज। नागपुर जिला बैंक घोटाला मामले में 5 साल की सजा पाए कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सुनील केदार के खिलाफ हुआ एक और बड़ा एक्शन। विधानसभा अध्यक्ष ने नियमों के तहत सुनील केदार की रद्द की सदस्यता। नागपुर पुलिस ने महाराष्ट्र विधानसभा को कांग्रेस नेता की जेल की सजा की जानकारी दी और कोर्ट का आदेश भेजा, जिसके बाद सुनील केदार को बतौर विधायक घोषित किया गया आयोग। मुंबई से अयोध्या के लिए पैदल निकली मुस्लिम लड़की शबनम शेख, उसकी यात्रा का आज है चौथा दिन। राम भक्त और सनातन धर्म को मानती है शबनम। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई से पैदल यात्रा कर रही है शबनम। मुंबई से सटे नवी मुंबई से आई शर्मनाक खबर। यहां एक 28 साल के पिता ने अपनी 18 साल की सौतेली बेटी से किया दुष्कर्म। फिलहाल पीड़िता का करवाया गया मेडिकल। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में हुआ भीषण सड़क हादसा। एलोरा गांव के एक मंदिर के पास आपस में टकरा गए ट्रक और 3 कारें। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे के बाद कई घंटों तक रहा ट्रैफिक जाम। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर भारतीय जांच एजेंसियों ने कसा शिकंजा। दाऊद इब्राहिम के मुंबई और रत्नागिरी वाले बंगले होंगे नीलाम। तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम के तहत उसकी रत्नागिरी की कई संपत्तियों की 5 जनवरी को होगी नीलामी। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के बीच सीटों का फॉर्मूला हुआ तय। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना UBT 20, NCP शरद पवार गुट 10 और कांग्रेस 16 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। क्रिसमस की छुट्टियों का जमकर लुफ्त उठा रहे लोग। मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भीड़। समंदर किनारे भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले। शनिवार को राज्य में 35 नए केस आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 100 के पार। मुंबई में सबसे अधिक 52, थाने में 18 और पुणे में 17 है एक्टिव मरीजों की संख्या। बीते सप्ताह शेयर बाजार में उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया कमाल। निवेशकों के दम पर 5 दिन में कमा लिए 50,000 करोड़। इस अवधि के दौरान 47,000 करोड़ से अधिक बढ़ा रिलायंस का मार्केट कैपिटलाइजेशन। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। टेस्ट मैच के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से दी मात। महज 19 ओवरों में हासिल किया 75 रनों का लक्ष्य। टेस्ट इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को चटाई धूल। इससे पहले हुए 10 मैचों में भारत को मिली थी 4 बार हार, जबकि 6 मुकाबले रहे थे ड्रॉ। पहलवानों के साथ दंगल के बीच केंद्र सरकार का बड़ा धोबी पछाड़ दांव। कुश्ती संघ को किया निलंबित। ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी और नए अध्यक्ष संजय सिंह की मान्यता की रद्द। WFI के निलंबन पर बोली गीता फोगाट, कहा उम्मीद की किरण जागी है कि मिलेगा पहलवानों को इंसाफ। कुश्ती संघ के निलंबित होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिले BJP सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह। मुलाकात के बाद कुश्ती संघ के निलंबन पर खुलकर बोले BJP सांसद, कहा साक्षी मलिक ने लिया तो मैंने भी ले लिया संन्यास, खत्म होगा। कुश्ती महासंघ के भंग होने के बाद आया पहलवान साक्षी मलिक का बयान, कहा सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं, हमें है सिर्फ एथलीटों की चिंता। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह ने जीता था चुनाव। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा, कहा देश का युवा पूछ रहा है कहाँ है 2 करोड़ रोजगार। खड़गे ने एक सरकार से किया सवाल, आखिर क्यों इतना जटिल हो गया है भर्ती परीक्षाओं से लेकर नौकरी मिलने तक का सफर।
अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से फिर की घुसपैठ की कोशिश, जिसे सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। अखनूर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास एक गांव से सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान में हथियार और नकदी से भरे दो पैकेट हुए बरामद। कुछ दिनों पहले ही इसी इलाके में आतंकियों ने की थी घुसपैठ की कोशिश। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से आया अजीबोगरीब मामला। यहां एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर लगाया धोखाधड़ी और दहेज प्रताड़ना का आरोप। महिला ने कहा उसका पति है नपुंसक और इस बात को ससुराल वालों ने छिपाई। महिला की ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। भारत में बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने बढ़ाई सरकार की चिंता। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 656 नए मामले आए सामने। एक मरीज की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 3000 के पार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक चाचा ने खौफनाक वारदात को दिया अंजाम। नक्सलवाद का रास्ता छोड़ चुके अपने भतीजे की अन्य लोगों के साथ मिलकर की हत्या। रविवार की सुबह गोरना गांव के पास एक सड़क पर मिला कुछ महीने पहले नक्सलवाद छोड़ने वाले छोटू कुरसम का शव। जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के पंचकुला से आई दर्दनाक घटना। घर के अंदर माचिस की तीली जला रही थी 2 साल की मासूम, जिसके चलते कमरे में लग गई आग। दम घुटने की वजह से बच्ची की हुई मौत। भारत की तरफ आ रहे इजरायली व्यापारिक जहाज एमवी केम प्लूटो पर अरब सागर में ड्रोन से किया गया हमला। ड्रोन हमले में बाल बाल बचा चालक दल। अमेरिका के पेंटागन ने किया दावा ड्रोन अटैक में ईरान का हाथ। हमास और इसराइल के बीच जारी भीषण जंग के कारण तबाह हो रहे फिलिस्तीन के नागरिक। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा हमास इसराइल युद्ध में 20,258 लोगों की हो चुकी है मौत। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।